फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के बारे में बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि कैपलर क्या है। कैपलर क्या है, तो कैपलर क्या है कि कैपलर जो है नासा द्वारा लॉन्च की गई एक अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक है, कैपलर क्या है, तो नासा द्वारा लॉन्च की गई एक अंतरिक्ष वेधशाला है। नेक्स्ट है कि 11वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मॉरिशस में। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस सिर्फ पूछेगा तो ये होगा हमारा 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2018 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता किसने, तो राफेल नडाल ने, जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2018 किसे चुना गया, यानी कि कौन चुनी गई इसके लिए, तो अनुकृति वास, ये जो है तमिलनाडु की है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2018 कौन चुनी गई, तो यह अनुकृति वास, और ये कहाँ की है, तो तमिलनाडु की। नेक्स्ट है कि बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, तो ये है 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक 2018 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा नेपाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, तो यह किया है किस देश ने, तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन एयरक्राफ्ट किस देश ने विकसित किया, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट किस देश ने विकसित किया है, तो यह किया है चीन ने। और इस जो ये जो एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है, इसका नाम क्या है, तो कुलांग। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू की गई, तो प्रथम माइक्रो फैक्ट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई। नेक्स्ट है कि मिथिला चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो मिथिला चित्रकला का संबंध है बिहार राज्य से। इसमें एक और पूछता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, तो उसका भी आंसर हमारा बिहार ही होगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो यह एक डिजिटल करेंसी है, और यह जो है इंटरनेट के माध्यम से कोई वस्तु खरीदना। क्रिप्टो करेंसी समझ गए आप कि इंटरनेट के माध्यम से कोई वस्तु खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कितने बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है उन्होंने, तो कितने बार, 4 बार। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद तक बने रहने वाले, मुख्यमंत्री पद पे बने रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। और हाँ, ये जो पवन कुमार चामलिंग है ये सिक्किम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 17 मई को। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी समुद्री पुल किस देश में है, तो ये है चीन में। सबसे लंबी समुद्री पुल पूरे विश्व में ये चीन में है। उत्तम क्या है, तो उत्तम जो है एक मोबाइल ऐप है जिससे कोयले की गुणवत्ता की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता है 26 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि स्टेफन हॉकिंस किस देश का था, स्टेफन हॉकिंस किस देश का था, तो ये था इंग्लैंड का, जिनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 को हो गई। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 21वां 2018 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है रूस। नेक्स्ट है कि फीफा 2014 किस देश ने जीता, सॉरी हाँ किस देश ने छूट गया है, तो फीफा 2014
किस देश ने जीता था? तो ये जीता था जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप ये 22वां 2022 में जो होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कतर। नेक्स्ट है कि 25 नंबर क्वेश्चन कि वॉलमार्ट ने भारतीय ई कंपनी फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का भुगतान कर कितने प्रतिशत हिस्सेदार बन गए? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। वॉलमार्ट ने भारतीय ई कंपनी फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का भुगतान कर कितने प्रतिशत के हिस्सेदार बन गए? तो 77%। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।